इसराइल हमास के बाद इसराइल और मिस्र के बीच तनाव बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल ने मिस्र में छिपे हमास को अपने बंधकों को लौटाने के लिए 10 मार्च यानी मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान शुरू होने से पहले तक की चेतावनी दी है। हमास को दी गई चेतावनी में इसराइल के युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गेंट्स ने साफ कर दिया है कि या तो वो डेडलाइन से पहले बंधकों को लौटा दे या फिर मिस्र के राफा शहर में जमीनी हमले के लिए तैयार हो जाए। इसराइल ने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब गाजा से करीब 15 लाख लोग राफा शहर में पलायन कर गए हैं और शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। हालांकि डराने वाली बात यह है कि अगर हमास ने इसराइल की बात नहीं मानी तो राफा शहर पर हमले शुरू कर देगा, जिसे लेकर मिस्र 40 साल पुराने समझौते को भूलकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे हमास को लेकर इसराइल और मिस्र के बीच युद्ध हो सकता है। और इसे लेकर यूएन समेत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चिंता जाहिर की है कि राफा शहर पर कोई भी हमला नरसंहार का कारण बन सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इसराइल को मिस्र का राफा शहर खटक क्यों रहा है और क्यों वो वहां हमले की तैयारी कर रहा है। दरअसल राफा शहर में गाजा के शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन इसराइल का दावा है कि शरणार्थियों की आड़ में हमास के लड़ाकों ने राफा में अपना अड्डा बना लिया है और वो वहां से इसराइल पर हमले की योजना बना रहे हैं। इसराइल का दावा है कि राफा में जो लड़ाके छुपे हैं वो हमास का आखिरी और खतरनाक गुट है, बाकी गुटों को इसराइल ने खत्म कर दिया है और इसी वजह से इसराइल मिस्र के राफा शहर को निशाना बना रहा है। इसके अलावा इसराइली सेना का दावा है कि हमास ने शरणार्थियों की आड़ में इसराइलियों को बंधक बनाकर राफा शहर में छिपा रखा है। बता दें कि इसराइल ने पिछले हफ्ते राफा शहर पर अटैक किया था जिसमें करीब 70 लोग जान चली गई थी, जिसे लेकर मिस्र ने इसराइल को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर को अचानक शुरू हुए युद्ध को करीब 140 दिन बीत चुके हैं। इसराइल हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रहा है। इसराइल के हमले से गाजा में रहने वाले 29,000 लोग जान गंवा चुके हैं, करीब 69,000 लोग से ज्यादा घायल हैं, जबकि हमलों में हजारों घर तबाह हो गए। ऐसे में गाजा के लाखों लोगों ने राफा में शरण ले रखी है, वो भी तब जब मिस्र ने साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीनियों को राफा में शरण नहीं देगा। इन सब के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में इसराइल हमास युद्ध को लेकर सुनवाई हुई, जहां फिलिस्तीनी विदेश मामलों के मंत्री रियाद अल मलिकी ने अपनी बात रखी। मलिकी ने कहा, गाजा में रहने वाले 23 लाख फिलिस्तीनियों पर इसराइल ने हमले किए जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों घायल हैं, हजारों घर तबाह कर दिए गए, जिसके चलते फिलिस्तीनी अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। दस मार्च से रमजान शुरू हो रहे हैं। रमजान को मुस्लिमों का पवित्र महीना माना जाता है, लेकिन हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच इसराइल ने यरूशलम की चर्चित मस्जिद अल अक्सा में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अल अक्सा मस्जिद को लेकर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हमेशा तनाव रहा है। इसे लेकर इसराइल का दावा है कि फिलिस्तीनी मुस्लिम मस्जिद जाने के बहाने हिंसा भड़का सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रमजान के महीने में 40 साल से कम उम्र के सभी अरब इसराइली अल अक्सा मस्जिद परिसर में नमाज के लिए नहीं जा सकते। बच्चों और महिलाओं पर यह पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। बता दें कि अल अक्सा मस्जिद दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यह यहूदियों के लिए भी पवित्र माना जाता है। इजरायली यहूदी इसे टेंपल माउंट कहते हैं। ये मस्जिद दशकों से दोनों धर्मों के बीच विवाद का मुख्य केंद्र रहा है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।